दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों किसी भी अप्रिय घटना से अनदेखी कर मासूम और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे निजी अस्पताल संचालकों की मनमर्जी का शिकार बना हुआ है। और ऐसा ही एक मामला भिलाई स्थित रिवाइवल मेडिकल सेंटर का सामने आया, जहां एक ही बिल्डिंग में तीन अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं और तीनों जगह पर जाने के लिए संपर्क एक सीढ़ी और एक लिफ्ट का ही सहारा बना रखा है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बच्चों का अस्पताल तो फर्स्ट फ्लोर में रिवाइवल मेडिकल सेंटर और सेकंड फ्लोर में आईवीएफ सेंटर संचालित है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जाने और आने के लिए एक ही लिफ्ट और एक ही सीढ़ी बनाई गई है। साथ ही इस अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था भी अव्यवस्थित है। अगर अस्पताल में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो बिल्डिंग में मौजूद मरीज और उनके परिजन किस तरह बाहर निकल सकेंगे। वहीं इस संबंध में जब मीडिया ने दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी से जानकारी चाही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिवाइवल मेडिकल में जैसे आप बता रहे हैं कि तीन अस्पताल संचालित हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, जैसे आप मेरे को चर्चा में बता रहे थे। आमतौर पे एक नाम से एक ही अस्पताल को या नर्सिंग होम को लाइसेंस दिया जाता है और उसके लिए मानव संसाधन सुरक्षा के जो उपाय हैं, फायर सेफ्टी और इन्वायरमेंट के, बायोमेडिकल वेस्ट के और इस जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पैरामीटर्स हैं वो पूरा करना होता है। और एक ही बिल्डिंग में तीन अस्पताल चल रहे हैं, जो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है। मैं नर्सिंग होम एक्ट की तरफ जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अनिल शुक्ला, उन तक ये बात पहुँचा के उनसे मैं जानकारी एकत्रित करके आपको पहुंचाने के लिए बोलूंगा। तो उनसे आपने कुछ उसके बारे में तो वस्तु स्थिति क्या है, क्या एक ही बिल्डिंग एक ही अस्पताल के नाम से लाइसेंस लेके तीन अलग अलग विभाग चला रहे हैं या तीन सेपरेट, कभी भी कोई भी नर्सिंग होम को लाइसेंस दिया जाता है तो मेन पावर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल हजार्ड्स का जो निष्पादन और स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, ये मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने पे ही लाइसेंस दिया जाता है। और जाहिर तौर पे उन्होंने जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र जमा किया होगा, उसमें उसके बाद वहाँ पे जो मुआयने के लिए जो टीम भी जाती है, तो मुझे लगता है कि उसमें या तो लाइसेंस एक का चल रहा होगा, बाकी दो लाइसेंस एक का लिया होगा, बाकी लोगों चला रहे होंगे। जो भी वस्तु स्थिति है नर्सिंग होम के तहत जो देख रहे हैं उनसे बातचीत करने पर मैं स्पष्ट आपको बता पाऊंगा।